बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खान मानसा शहजादी, गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ नर्सरी क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके लॉन्ग, शॉर्ट, हैवी, लाइट, हॉट एंड कूल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है बहुत सी चीज़ें लंबी होती हैं और बहुत सी चीज़ें छोटी होती हैं। जैसा कि हमारे कमरे में अगर हम देखें तो हमारे छत पर जो हमारी ट्यूबलाइट लगी है वो लंबी है, और जो उसके पास एक बल्ब लगा हुआ है वो शॉर्ट है, छोटा है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट लंबी है, लॉन्ग है, और बल्ब छोटा है, शॉर्ट है। जैसे मेरे हाथ में ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये एक पेंसिल है, ये लॉन्ग है, और ये एक चॉक है, ये शॉर्ट है। लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट। अब हम कुछ तस्वीरों के ज़रिए इसको देखते हैं कि लॉन्ग कौन सी चीज़ें होती हैं, शॉर्ट कौन सी चीज़ें होती हैं। ये देखो कितना लंबा एक स्नेक है, ये लॉन्ग है और ये बिल्कुल शॉर्ट है। इसी तरह नीचे भी आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, और ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। अच्छा, अब आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता चल गया, ये क्या है, लॉन्ग, ये शॉर्ट। जो चीज़ें लंबी हैं वो लॉन्ग हैं और जो छोटी हैं वो शॉर्ट हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जिससे हम इसको मज़ीद क्लियर करेंगे। जैसे सर्कल द शॉर्ट वन, इनमें से जो भी शॉर्ट हैं, छोटे हैं, उनको हम सर्कल करेंगे। देखते हैं तस्वीरों में, ज़रा यहाँ बताओ ये क्या है। हाँ, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, ये भी शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, और यहाँ पर जी जनाब ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। तो इस तरह से हमने आज लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट सीखा है। अब हम थोड़ा सा बाहर जाके देखते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट चीज़ें कैसी नज़र आती हैं, और देखते हैं कि हमारे स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें लॉन्ग हैं और कौन सी शॉर्ट हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है, एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट विद पिक्चर गिवन ऑन द पेज। जो तस्वीरें किताब के ऊपर दी गई हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए बच्चों को लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसके साथ ही आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बता सकते हैं कि मैथ किस तरह से हमारी रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ ही आप बच्चों से कह सकती हैं कि कंपेयर करें उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो कि लॉन्ग हैं और शॉर्ट हैं, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। टिक द शॉर्ट वन एंड क्रॉस द लॉन्ग वन। जी, जो लॉन्ग हैं उनके ऊपर हम क्रॉस करेंगे और जो शॉर्ट हैं उनके ऊपर टिक करेंगे। ये सामने हमारी इतनी सारी तस्वीरें दी गई हैं, हर तस्वीर में एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो इस तरह से हम हर एक में एक के ऊपर क्रॉस करेंगे और एक के ऊपर टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कंसेप्ट किसको फोकस करना है कि हमने टिक करना है शॉर्ट के ऊपर और क्रॉस करना है लॉन्ग के ऊपर। जो लॉन्ग हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्रॉस, और जो शॉर्ट हैं उनके ऊपर करेंगे टिक। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर लॉन्ग कौन सा है। ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये भी लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट। तो इस तरह से हमारे इस पेज के ऊपर लॉन्ग एंड शॉर्ट कितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट बने हुए थे और हमने उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इस एक्टिविटी को करवाते हुए आपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है, उनको हेल्प करना है कि वो प्रॉपर तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग के कॉन्सेप्ट को समझ सकें।
उनको पता हो हमने शॉर्ट के ऊपर टिक लगाना है और लॉन्ग पर क्रॉस लगाना है। अब मेरे एक हाथ के ऊपर किताब है और एक हाथ के ऊपर कुछ टिश्यूज़ हैं। अब अगर मैं इन दोनों को वेट करूँ इनका, तो इसमें से सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? टिश्यूज़ का, इस किताब का। तो जो चीज़ वेट में ज़्यादा होती है उसे हम हैवी कहते हैं, और जो वेट में कम होता है उसे हम लाइट कहते हैं, राइट? जैसा कि इस किताब का वज़न ज़्यादा है और हमारे हाथ के ऊपर फील हो रहा है, और ये शूज़ हैं इनका वेट बिल्कुल नहीं है, ये लाइट हैं और ये किताब हैवी है। ओके, जैसे कि इस पेज के ऊपर आपको कुछ हैवी वेट चीज़ें नज़र आ रही हैं और कुछ लाइट वेट नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो चीज़ हैवी होती है, हम लोग शॉप पे जाते हैं ना अंकल से चीज़ें लेने के लिए, चीनी लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, तो अंकल उसको वज़न जब करते हैं तो जिस साइड पे वज़न ज़्यादा होता है वो नीचे चला जाता है और जहाँ पर वज़न कम होता है वो ऊपर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसका वज़न कम है और इसका वज़न ज़्यादा है, तो जो चीज़ ज़्यादा वेट वाली होती है वो नीचे की तरफ जा रही होती है जैसे हम उसका वज़न कर रहे हों। तो यहाँ पर ये हैवी है और ये लाइट है। और अगर आपको यहाँ पर देखा जाए, हाथी नॉर्मल लाइट सा होता है, लाइट वेट होता है या हैवी होता है? यस, ये हैवी होता है। और इसके सामने अगर एक गोट हो तो वो लाइट होगा। अच्छा जी, अब एक हमारे पास वाटरमेलन है, वाटरमेलन आप उठा सकते हो अकेले? नहीं ना, आप लोग उसको बहुत ज़ोर से ऐसे आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक टमाटर हो तो आप उसको जल्दी से उठा लेते हो, तो इसलिए क्योंकि उसका वेट कम होता है वो लाइट होता है, और जो वाटरमेलन है वो हैवी होता है, इसलिए आप उसको जोर लगा के उठाते हो, ठीक है? तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा है, कुछ हैवी चीज़ें हैं, कुछ लाइट। लाइट चीज़ों का वेट वज़न कम होता है और हैवी का वज़न ज़्यादा होता है। जैसे कोई मोटू हो तो उसका वेट ज़्यादा होगा और अगर कोई पतलू हो तो उसका वेट कम होगा। तो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर सर्कल द हैवी वन, जिसका वेट ज़्यादा है हम उसको सर्कल करेंगे। अब अगर इसको देखें, इन तस्वीरों को देखें, तो हमें क्या नज़र आता है? यस, इसका वेट ज़्यादा है, ये हैवी है, ये हैवी है, ये लाइट है, और इन दोनों में से यस, ये हैवी है और ये लाइट है। तो इस तरह से आज हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है? हैवी एंड लाइट, हैवी एंड लाइट। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। टेल द चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। जो तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं उन तस्वीरों को अच्छे से एक्सप्लेन करें, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं कि हैवी थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपका चीज़ों को उठाने के तरीके से फील होना चाहिए कि आप किसी हैवी चीज़ को उठा रहे हैं, या जिसका वज़न ज़्यादा होता है उसे हैवी कहते हैं और जिनका वज़न कम होता है उसको लाइट कहते हैं। आप क्लास में कुछ चीज़ें, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मॉड्यूल्स बना सकते हैं जिनके ज़रिए आप बच्चों को हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। हेल्प द चिल्ड्रन टू सर्कल द हैवी ऑब्जेक्ट्स, बच्चों को इसमें हेल्प आउट करें। जैसे एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने सर्कल करना है, तो किस तरह से बच्चे करेंगे? आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें और उनको बताएं हैवी और लाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम इस पेज की तरफ चलते हैं। इस पेज पे आपने देखनी है, तस्वीरों को गौर से देखें और देखने के बाद मुझे बताएं इसमें से हैवी कौन सी हैं और लाइट कौन सी है। जो लाइट होंगी हमने उनके ऊपर टिक का निशान लगाना है। जैसे कि आपके सामने दो तस्वीरें दी गई हैं, इन दो तस्वीरों में हमने देखना है यस, ये लाइट है
और इनमें से ये लाइट है, और इनमें से ये लाइट है, और इनमें से ये लाइट है, इनमें से ये लाइट है, और यहाँ पर ये लाइट है, और यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मुकम्मल की, हैवी और लाइट के कॉन्सेप्ट को समझा आज हम लोगों ने, और इस तस्वीरों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, अब हम एक और नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी चाय पी है? चाय गर्म होती है। और आप लोगों ने कभी बर्फ की आइसक्रीम खाई है? आइसक्रीम ठंडी होती है। चाय गर्म होती है, जो चीज़ें आग पे पकाई जाती हैं, बॉयल हो रही होती हैं, वो हॉट होती हैं, गर्म होती हैं, और जो फ्रीजर्स में से निकालते हैं वो सारी चीज़ें ठंडी होती हैं, कूल्ड होती हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इन तस्वीरों में हॉट कौन सी चीज़ें हैं और कोल्ड कौन सी हैं। आप इन दोनों में से मुझे बताओ। ये हॉट है और ये कोल्ड है। अब कोल्ड को देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें कोल्ड होती है। आइसक्रीम कोल्ड होती है, फ्रीज़र में से जो भी चीज़ें निकालती हैं ठंडी होती हैं, कोल्ड होती हैं, और जो भी चीज़ें चूल्हे पे पका रही होती हैं मामा, वो सारी हॉट होती हैं। यहाँ पर नीचे हमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं। अब हम इन तस्वीरों को दो और से देखते हैं और हम देखते हैं कि ये कोल्ड हैं या हॉट हैं। ये बताएं, ये आइस क्यूब्स, ये कोल्ड है और सन हॉट होता है। ये ग्रीन टी है, ग्रीन टी हॉट होती है, और ये जूस है, ये कोल्ड है। सूप हॉट होता है और आइसक्रीम कोल्ड है। अच्छा जी, आप लोगों को तो सब कुछ पता है। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी में आप मेरी हेल्प करेंगे। टिक द राइट ऑप्शन, तस्वीरों को हमने देखना है। नीचे हमारे पास कूल्ड और हॉट लिखा हुआ है। अब जो भी इसमें से राइट ऑप्शन है उसको हमने टिक करना है। राइट, यहाँ पर ये आइस क्यूब हैं, ये क्या हैं? कूल्ड हैं। ये हॉट है, ये भी हॉट है, ये कूल्ड है, ये हॉट है, और ये कूल्ड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने तो जल्दी जल्दी ये एक्टिविटी कर ली। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास इस टाइम कौन कौन सी चीज़ें कूल्ड हैं। आपकी वाटर बॉटल में जो पानी है वो कोल्ड वाटर है, और आपके लंच बॉक्स में जो मामा ने गर्मा गर्म पराठा बना के डाला है वो क्या है? वो हॉट है। तो यहाँ पर हमने आज हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। डियर टीचर्स, उम्मीद करती हूँ आपने इन वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो कि है www.gohar publishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स और बहुत सी वर्कशीट, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों की लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।